लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस की बढ़ी कीमतों के खिलाफ आज कांग्रेस के प्रदेश सचिव सुधीर पवार के नेतृत्व में नेरुल के सीउड में आंदोलन किया गया। यहाँ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदेश सचिव सुधीर पवार ने कहा कि मोदी सरकार की नीतियों के कारण ही महंगाई बढ़ रही है। उन्होंने ईंधन की बढ़ी कीमतों को रोल बैक करने की मांग की। देखिए रिपोर्ट। महाराष्ट्र कांग्रेस ने आज ईंधन की बढ़ी कीमतों के खिलाफ नवम्बई के कई ठिकानों पर प्रदर्शन किया। कांग्रेस के प्रदेश सचिव सुधीर पवार के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने सीउड के सेंचुरियन मॉल के सामने प्रदर्शन करते हुए मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आंदोलन में महिला कांग्रेस के जिलाध्यक्षा उज्ज्वला सालवे, जिला उपाध्यक्ष एकनाथ टांडेल, महेश भंगे, दिगंबर राउत, रत्नाकर कुदले, राजगोपालन, अनवर हवलदार समेत कई पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। प्रदेश सचिव सुधीर पवार ने कहा कि मोदी सरकार की नीतियों के कारण ही देश में महंगाई बढ़ रही है। घरेलू गैस और डीजल पेट्रोल की कीमतें जिस तरह आसमान छू रही हैं, उससे लॉकडाउन की मुसीबत में पड़े आम जनता का जीना हराम हो गया है। यह संदेश पीएम तक जाना चाहिए, इसलिए कांग्रेस आंदोलन कर रही है। सुधीर पवार ने ईंधन की बढ़ी कीमतों को तत्काल रोल बैक करने और जनता को राहत देने की मांग की। आइए सुनाते हैं उन्होंने और क्या कुछ कहा। तो त्याचा निषेध करण्यासाठी आम्ही सीउडच्या पेट्रोल पंपवर आहोत। या निमित्ताने आम्ही मोदी सरकारचा तीव्र निषेध करत आहोत। पेट्रोलची दरवाढ थांबली पाहिजे, महागाई कमी झाली पाहिजे, गॅस सिलेंडरची दरवाढ कमी झाली पाहिजे। या आमच्या भावना सर्वसामान्य जनतेपर्यंत पोहोचल्या पाहिजे। सरकारने याची दखल घ्यावी आणि ही दरवाढ रद्द करावी। ब्युरो रिपोर्ट, टीव्ही वन इंडिया।